रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। सो हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट करेंगे सीएलआई वाले, जो कि सर जियागी रेपो से हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा भी देता हूं। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हम लोगों ने सीएलआई बनाना सीखी थी, डिप्लॉय उसको कर दिया था एनपीएम के ऊपर, सही है। और अगर आपने वो नहीं देखी है वो देख लें आप सबसे पहले, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी वाली चीज़ें हम रिपीट नहीं करेंगे, वो ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये रेपो है बेसिकली जिसके हम प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 00 कैलकुलेटर भी हमने पहले वाली वीडियो में बना लिया था, जिस प्ले लिस्ट में ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी उसी प्ले लिस्ट की पहली वीडियो में, वो ज़रूरी है। एनपीएम वर्सेज एनपीएक्स वर्सेज नोड, वो वाली वीडियो आपने लाजमी देखनी है पहले, उसके बाद हमें कैलकुलेटर वाली वीडियो देखनी है। और आज हम नंबर गैसिंग गेम करेंगे, ठीक है। नंबर गैसिंग गेम, और अगर टाइम मिला तो और भी कर लेंगे, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द टाइम। इसके आज की वीडियो में, आज के सेशन में, तो वो दोनों हमें लाजमी देखनी है, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल लूंगा मैं उनके लिंक्स, ठीक है जी। चलें, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल का लिंक है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप है टीम कासिम का, अगर आप PIAIC के पैनावर्स के मेटा के स्टूडेंट हैं तो वो आप, और अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो टीम कासिम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है टीम कासिम के नाम से, उसमें मल्टीपल लोग जो हम सेशन वगैरह करवाते हैं उनका ग्रुप है, उनके स्टूडेंट्स हैं, तो आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती हैं, ठीक है जी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जो लोग अभी सेशन में वो चैट में से उठा सकते हैं। चलिए जी, अच्छा अब हम आ जाते हैं। आज हमारा टारगेट है पहला, अब जो प्रोजेक्ट वन है बेसिकली 00 में कर लिया था, नंबर गेसिंग गेम। दिस गेस द नंबर गेम इज अ शॉर्ट टाइपस्क्रिप्ट नोडजेएस प्रोजेक्ट। दिस गेस द नंबर गेम, जो गेस द नंबर गेम है ये शॉर्ट टाइपस्क्रिप्ट नोडजेएस प्रोजेक्ट, इट अलाउज द यूजर टू गेस द नंबर जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। इसमें आपने नंबर गेस करना है जो कि कंप्यूटर जनरेट कर रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, हमने क्या बनाना है, तो वो हम पढ़ लेते हैं, कोई हम पढ़ रहे हैं। देयर आर आल्सो सेवरल वेज टू ऑल्टर द गेम, लाइक एडिंग मोर राउंड्स और डिस्प्लेइंग द स्कोर, इट्स क्वाइट सिंपल एंड यूजेस अ रैंडम फंक्शन टू जनरेट अ नंबर। कह रहे हैं देयर आर सेवरल वेज टू ऑल्टर द गेम, गेम को ऑल्टर भी कर सकते हो, जैसे कहते हैं ना कपड़े ऑल्टर कराना, कपड़े में थोड़ा सा चेंज लेकर आ जाना, लेंथ छोटी, फिटिंग करा ली, ऑल्टर चेंज करना, ठीक है ना। इस गेम को भी आप थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हो। गेम को कैसे ऑल्टर करोगे, लाइक एडिंग मोर राउंड्स और डिस्प्लेइंग द स्कोर, इसमें मल्टीपल राउंड्स करोगे। एक आपने इसमें करना ये कि कंप्यूटर ने गेम नंबर सोचा है, आपने वो गेस करना है उसने क्या नंबर सोचा है। अब हम उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेते हैं कि 1 से 10 तक उसने कोई नंबर सोचा है, जैसे कि उसने 6 सोच लिया। अब आपने गेस करना है कि यार उसने क्या सोचा होगा, वो आप दिखा नहीं रहा, आपने 2 बोला 4 बोला 5 बोला, तो वो जो है सही बोल गया तो ठीक है, वरना वो कैंसिल कर देगा, ठीक है, सॉरी। तो फिर अगर आपने और उसमें हम फिर राउंड्स डाल सकते हैं कि कितनी एक है, अगर एक बारी मैंने 2 बोल दिया और 6 था गलत, एंड गेम एंड कर दिया, या हम उसे दूसरा राउंड दें कि यार दूसरी बार ट्राई कर लो, तीसरा भी दें, चौथा भी दें, तो राउंड दे सकते हो। डिस्प्लेइंग स्कोर बता सकते हो कि यार अच्छा आपने 3 राउंड में गैस किया तो इतना है, 2 में किया तो ज्यादा स्कोर है, और पहले में गैस कर लिया तो सबसे ज्यादा स्कोर है, ठीक है। तो ये हमें बिल्ड करना है। इसका मैं आपको एक रनिंग डेमो भी दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। रनिंग डेमो इसका क्या होगा कि मिसाल के तौर पर आप ये मैं चलाता हूँ, लेट्स गैस अ नंबर बिटवीन 1 to 10 इन 3 ट्राइज, सही है। अब मैं बोलता हूँ 5, यू हैव 3 ट्राइज लेफ्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आप बोल देंगे 3 ट्राइज लेफ्ट, मैं बोलता हूँ अच्छा चलो 3, यू हैव 2 ट्राइज लेफ्ट, मैं करता हूँ 2, यू फेल्ड, मैं गैस नहीं कर पाया, ठीक है, दोबारा चलाता हूँ, मैंने डाला 1, मैंने डाला 2, मैं डालता हूँ 5, 6 डाल के देखते हैं, ये कि यू गेस्ट इट राइट, ये चल गया यू गेस्ट इट राइट, ठीक है। तो 6 पे क्या आया, मैंने सही गैस कर लिया। अब उसने एक नंबर सोचा था 1 से लेकर 10 तक की, वो 6 था इस बारे में, और हर बार नया नंबर उसने सोचना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ट्राइज थोड़ी सी गलत चल रही है, यू हैव 3 ट्राइज नहीं, पहली बारी में आना चाहिए था, यू हैव 2 ट्राइज लेफ्ट, यू हैव 1 ट्राई लेफ्ट, क्योंकि ये फिर बेसिकली ये 1-1 हो जाएगा, सही है। तो अगर मैं इसको यहीं पे फिक्स कर भी दूं, ये ऐसे चलना चाहिए, अगर मैंने कर दिया 3, यू हैव 2 ट्राइज लेफ्ट, सही है, अब सही है, यू हैव 1 ट्राई लेफ्ट और 1 यू फेल्ड, तो ये सही है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया आइडिया। इसमें एक चीज़ और इम्प्रूव हो सकती है कि मैं उसको ये बता सकता हूँ कि अभी जो आपने नंबर डाला था आंसर उससे ऊपर है या उससे नीचे है, तो आपको और आसानी हो जाएगी। ये हम कोशिश करेंगे, ये भी हम एक फीचर डाल लें इसमें, ठीक है। चलें,
स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ऑल गुड, समझ आ गया बनाना क्या है? जी जी सर, आगे ठीक है। अब हम करते हैं जी एम के डी आई आर अप्रोच। अब हम कर लेते हैं इसको ओपन। अब हम थोड़ा चौथे गियर में चलेंगे, तीसरे गियर में, चौथे गियर में चलेंगे। मुझे बता दीजिएगा मैं स्लो जा रहा हूँ या फास्ट जा रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। आप मेरी वीडियो दोबारा देख सकते हैं, अभी आप खाली गौर से सुने, और ताकि फिर आप जो है इसको देख के बनाते रहें। ये प्रोजेक्ट्स करना ज़रूरी है, इससे आपकी प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की स्किल्स अच्छी होंगी। सबसे पहले भाई मेरी पहली वाली वीडियो देखी हुई है आपने, नहीं देखी तो रिफ्रेशर ले लीजिएगा। मैं पहले एक टी एस सी इनिट करूँगा, क्योंकि मुझे टाइप स्क्रिप्ट का फ्लेवर इसमें डालना है। सॉरी डाइजेशन, इससे मेरी टी एस कन्फिग की फाइल आ जाती है। इसके बाद मैं एन पी एम इनिट डैश वाई कर दूंगा, इससे पैकेजेसिंग की फाइल आ जाती है। इन दोनों को मैं थोड़ा सा ऑल्टर करूँगा, ठीक है ना? ऑल्टर अभी हमने सीखा एक बार। इसमें मैंने टारगेट ई एस 2022 करना है, मॉड्यूल को मैंने ई एस सॉरी नोड नेक्स्ट करना है, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट करके नोड नेक्स्ट कर देना, ठीक है? खुद ही जो बता रहा था मैंने ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे बिन लिखेंगे और एक पैकेट लगा के ना यहाँ पे आप लिख देंगे, जैसे कि प्रोज नाम है और इसमें आप लिख देंगे /index.js, ठीक है? ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप इसका और शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, जो भी अभी मैंने शायद वानिया के लेक्चर से मैंने इंस्पिरेशन लिए, आइडिया हुआ मुझे, आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? आप /index.js सिंपली ये लिख लें बाइनरी में, क्योंकि इसको हम डिप्लॉय करेंगे जब, इस नाम से हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा। इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसका नाम क्या रखना है हमें, क्या बना रहे हैं हम, गैस नंबर, गैस नंबर। बट प्रॉबेबली अगर ये होगा ना, ये किस टेकन होगा, तो मैं ऑस गैस नंबर कर लेता हूँ, ऑस गैस नंबर तबड़ा सी है, क्योंकि ओ डब्ल्यू एस मैंने लगा दिया ना, क्योंकि गैस नंबर सकता है टेकन हो नेम, इसलिए मैंने ऑस गैस नंबर कर दिया, सही है। एक आप बिन लिखेंगे, एक तीसरी चीज़ जो आप लिखते हैं वो लिखते हैं टाइप मॉड्यूल, क्योंकि मैं इसमें एटमा स्क्रिप्ट के मॉड्यूल यूज़ करूँगा, रिक्वायर यूज़ नहीं करूँगा, इम्पोर्ट यूज़ करूँगा, इसलिए वो मैंने पैकेज जिसने भी मेरी अब हुई फारिग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ index.ps, ठीक है, और यहाँ मैं बनाऊंगा जी अब हमें जो चाहिए पैकेज वो चाहिए इंक्वायरर का, ठीक है। और हम यहाँ पैकेजेसन में गौर करेंगे कि देखें अभी इसको कमांड चलाने से देखें, फर्स्ट टाइम जब पैकेज इंस्टॉल होता है तो पैकेज जेसन और नोड मॉड्यूल भी आ जाता है। चलाया पैकेज लॉग आ गया, नोड मॉड्यूल, ठीक है, फर्स्ट टाइम एक पैकेज किया। अब हमें इसकी टाइप्स भी चाहिए, सिंस वी आर यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट, और उसके साथ हमें डैश डी लगाना है या डैश सेव डेव, सेव डेव लगाना है, एक ही बात है, सही है। ऑल गुड, अगर वो मेरी आपने किट की वीडियो नहीं देखी है, वो भी प्रीरिक्विजिट है, वो भी देखें। तो यहाँ पे एक डेव डिपेंडेंसी क्रिएट होगी और पैकेज लॉग नोड मॉड्यूल क्रिएट नहीं होंगे, बस अपडेट हुए हैं, क्या अपडेट हुआ है हमें कोई परवाह नहीं। अब मैं आपको गिटहब का भी, मेरा आपने सेशन देखा होगा, वो सारे सेशन देखे होने चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गिट में ये सारी फाइल्स आ रही होंगी नोड मॉड्यूल के अलावा। सॉरी कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे गिट इनिशियलाइज ही नहीं किया। क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, इनिशियलाइज रिपोजिटरी पे क्लिक कर सकता हूँ या गिट इनिट कर सकता हूँ। मैं इनिशियलाइज रिपोजिटरी पे क्लिक कर देता हूँ, ये सब आ गया। उसके बाद मैं ट्री व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे फोल्डर के अंदर चीजें दिखा रहा है। तो ये 3000 चेंजेस हैं, 3000 चेंजेस क्यों है, क्योंकि सारे नोड मॉड्यूल के अंदर हैं। मैं एक मैजिक करता हूँ यहाँ पे, डॉट किट इग्नोर करता हूँ, यहाँ पे मैं नोड मॉड्यूल्स बना लेता हूँ, और ये 3000 से उठ के 5 चेंजेस हो गए बस। देखा मैजिक आपने, क्योंकि हम नोड मॉड्यूल यहाँ नहीं दिखा रहा, सारे चेंजेस उसी में, सारे फाइल इतनी सारी उसी की आती हैं। तो ये हमारी रेपो भी क्रिएट हो गई और ये हमारे फाइल्स वगैरह आ गई। नोड मॉड्यूल देखें, लाइट ग्रे हो गया, ऑल गुड। जल्दी में जा रहा हूँ कि सही जा रहा हूँ, हजम हो रहा है, स्लो हो जाऊं, एनी कमेंट्स? जी जी सर, ठीक जा रहे हैं, शायद हमने ना वो प्रीरिक्विजिट पढ़े हुए हैं, तो इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, ठीक है, सही है। और अगर आप लोगों को लग रहा है, उधर भी कह रही हूं कि फाइन मैसेज है, ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है तेज जा रहा हूं, तो आप मेरी वो वीडियोस लाजमी देखें, सुकून से किट की पूरी वीडियो देखें, npm node nbks वाली सुकून से देखें, कैलकुलेटर वाली सुकून से देखें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब हम आ जाते हैं जी, अब हम यहाँ बनाते हैं इम्पोर्ट इंक्वायरर फॉर्म इंक्वायरर, ठीक है। अब हम आते हैं जी, हमने देख लिया था सिंपली, पहले तो ये देख लेते हैं कि यार कंसोल लॉग लगा लो, चेक कर लो कि सारे जाल सही बिछ गए कि नहीं बिछ गए, ठीक है।
कुछ भी रिपोर्ट लिखने से पहले हेलो वर्ल्ड चला लिया करो, टीएससी लिखोगे आप, फाइल का नेम भी लिख सकते हो index.tsc, क्योंकि एक ही फाइल है ना, तो टीएससी index.tsc का index.js क्रिएट कर दी, मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं दोबारा क्रिएट कर लूंगा, सही डिलीट करी मैंने, क्या क्लिक किया था मैंने, उसको ट्रैश किया था, गई, ठीक है, दोबारा मैं क्लिक क्रिएट करूंगा, क्लिक कमांड चलाऊंगा, दोबारा क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, मैं फिर से इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो है यहाँ पर टीटीसी का भी फाइल नेम ही देता है, तो एक ही फाइल है तो उसी को चला देगा, उसकी इंडेक्स डॉट जेएस इसने बना दी, अंदर हम इसको खोल के नहीं देखते क्या हो रहा है, वो तोड़ दें इसको, क्या भी बना रहा है, हम खाली इस इंडेक्स को ओवर करते हैं, सही है, अच्छा सारे हमारे, और इसको रन करके भी देख लिया, नोड इंडेक्स डॉट, देखिए वो डॉट के बाद टैब दबा रहा हूँ ना, तो दो ऑप्शन दे रहा है, हेलो वर्ल्ड आ गया, ऑल गुड, तो मुझे दोनों कमांड एक साथ चलानी है, तो मैं टीएससी एंड इनको कंपाइल भी करके जो है रन भी कर देगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, अच्छा अब ऑल गुड, हमारा काम इंडेक्स जेएस पे होगा, इंडेक्स जेएस कुछ खोलना भी नहीं है, तो उसमें कोडिंग करने की तो बात ही दूर की, उसमें कुछ कोडिंग करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, थीम क्या है, लेट्स गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 10 इन 3 tries, बहुत आपकी प्रोग्रामिंग इसके अच्छी हो जाएंगी, जो मैंने आपको गेम दिखाया बिल्कुल सिंपल है, नो रॉकेट साइंस, CLI बेस्ड गेम है वो, ठीक है, CLI बेस्ड गेम, क्योंकि कमांड लाइन पे आप खेल रहे थे वो गेम, सही है, तो वो गेम बहुत सिंपल है, लेकिन आपके बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उससे, और आपके सिमिलरली जितने भी अपने नोट जिसके प्रोजेक्ट्स हैं ना, अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है ना, तो आप वो लाजमी करिए, लाजमी सारे प्रोजेक्ट्स करें, सही हम ये करते हैं, सही है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इंपोर्ट इंक्वायरर कर लिया, अब हमें पता है भाई कि इंक्वायरर जो है एक ऑब्जेक्ट लेता है, एरे लेता है, ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस की एरे लेता है, ठीक है, और अब ये इंक्वायरर क्या है, इंक्वायरर हम इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट लिखेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ओके थैंक यू, सही है, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे, अब क्या करना है हमने, इसका हम प्रॉम्प्ट का मेथड कॉल करेंगे, वो लेता है इनपुट्स, क्योंकि वो जो है, अच्छा मैं बाय द वे मैंने नहीं लिखा था, मैं आपको बता देता हूं, This expression is not callable, has no calls here. कह रहे inquirer is callable नहीं है. देखिए callable का क्या मतलब होता है? एक function call होता है. मैं inquirer को as a function call कर रहा हूँ. Inquirer direct call नहीं होगा. Inquirer एक function ही, लेकिन dot prompt लिख रहा हूँ. तो prompt जो है वो एक function है. उसको call कर सकता हूँ. Callable है. Inquirer callable नहीं था तो मुझे समझ गया कि यार inquirer कोई एक उसके अंदर कोई method होगा. ठीक है ना? वो call हुआ. तो ये बड़ा एक फैंसी सा था जो कि बिगिनर के लिए नहीं पता होता, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया, अगर आपको समझ आए जी ऑब्जेक्ट है बिल्कुल ठीक, सही है ना, अब हम क्या कर लेते हैं, कौन सा आंसर इज इक्वल्स टू इंक्वायरर डॉट फ्रॉम, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, टाइप नेम, वेट, हाँ वेट, अब हमें इसके हमें जो क्वेश्चन होते हैं, इसको दो चीजें, एक तो वो नेम पर होता है कि मैंडेटरी है कि आपने उसका नाम क्या रखना है, मैं देता हूँ माय, मेरा गेस, जो भी आपने नंबर एंटर करो, और उसको मैसेज क्या दिखाऊंगा मैं यार, क्या बोल के मैंने उससे करवाना है, नंबर डालो भाई, ठीक है, तो नंबर डालो भाई, मैंने उससे पूछा है, अच्छा जी सिंटेक्स एरर क्यों हो रहे, अच्छा ये ब्रैकेट मैंने पहले ही बना दी, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, मैंने इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है, अगर एक और होता तो मैं और ले लेता, लेकिन मेरा एक ही क्वेश्चन हुआ अभी फिलहाल के लिए, अभी मैं एक सिंपल सा बना रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटली चलेंगे हम, अब एंड में या कॉमा लगाऊं या नहीं लगाऊं एक ही बात है, देखो कॉमा खुद लगा रहा है वो सेव करने पे, आपके पास पीटीआर वगैरह हुआ हुआ, अगर नहीं हुआ हुआ नहीं लगा रहा हो तो टेंशन ही लेगा, ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे, और ये आपने क्या बताया, अगर क्या इंस्टॉल हुआ है तो प्रीटियर कॉन्फ़िगर किया हुआ है ना आपने, तो ये ऑटोमेटिकली सेव करने पे चीजें चला रही है, सर यूट्यूब पर लाइव सेशन चल रहा है, जी जी टाइप नहीं बताएंगे सर, सबर करें ना, ये कौन है भाई, सब बताएंगे, सबर करें सलमान, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, जो आपने बताया प्रीटियर, ये क्या चीज है प्रीटियर, प्रीटियर यार वो ये सब ये लिंटिंग वगैरह के लिए, प्रीटियर फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं, इसके लिए अलग हम कोई वो बना लेंगे, ठीक है सबर करें, अब देखें जी ये क्या हुआ भाई, ये तो कुछ उसने नंबर डालो भाई के आगे उसने कुछ बहुत ही अजीब कुछ वाहियात काम कर दिया, एक प्रॉमिस रिटर्न करा है हमें, प्रॉमिस, सही है, तो अब नंबर डालो भाई के आगे प्रॉमिस रिटर्न हो गया कंसोल डॉट लॉग में, अब ऐसी चीज को जब देख रहे हैं कि प्रॉमिस आ रहा है, समझ जाए आपने जो गलती कर दी है,
वो यहाँ पे अवेट नहीं लगाया है, क्योंकि वो अब हम एसिंक अवेट के सिंटेक्स में यूज करूँ, डॉट देन वगैरह भी हम कर सकते हैं, वो है आपका कॉल बैक सिस्टम डॉट देन कैश वाला, अब हम एसिंक अवेट यूज कर रहे हैं, तो अवेट हमने डाला और अब हम डालते हैं, तो अब एसिंक की जरूरत नहीं, अवेट डायरेक्ट चलिए, नंबर डालो भाई, मैंने डाला भाई 6, तो मेरा गैस जो है 6 सही आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा चलाते हैं 7, अब 7 दोबारा आ गया, लेकिन 7 देंगे स्ट्रिंग में आ रहा है, तो मैं एक और अवेट का ये हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है ना, ये जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों में सेम है ना कॉन्सेप्ट? जी जी, एसिंक फंक्शन जो है वो हमेशा प्रॉमिस लाजमी रिटर्न करेगा। नहीं आप गलत बोल रहे हैं कि वर्डिंग आपकी सही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है कि एसिंक अवेट हम तब लगाते हैं जब ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, तो मैंने अवेट लगा दिया, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमारे पास फिर इसमें आएगी आंसर्स में, ठीक है। डॉट देन डॉट कैच वाला जो सिंटेक्स है, कैलकुलेटर वाली मेरी वीडियो देख लें, बिल्कुल वैसा ही है, सबर करें यार, सबर सबर सबर। मैं आपको ये मेथड दिखा दिया मैंने आपको, ये मैंने आपको एसिंक अवेट वाला मेथड है, एसिंक इसमें भी नहीं लगाया हुआ क्योंकि फंक्शन के अंदर नहीं है, जरूरत नहीं थी लगाने की, अगर ये किसी फंक्शन के अंदर मैं अवेट यूज करता तो मैं एसिंक लगाता। अभी मैं इसी को मेथड को आपको देन और कैच से करके दिखाता हूँ, अभी ये जो काम हो रहा है। अच्छा ये बाय द वे ये जो 7 लिखा है ना, ये नंबर में आ रहा है, पहले मैं इसको भी स्ट्रिंग में आ रहा है, इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखें अब 7 का जो है, देखें स्ट्रिंग हट गया, इसके आउटपुट पे नजर डालें, हट गया। अब आपका यही काम जो है, इसको मैं करता हूँ कॉमेंट और इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये देन कैच से कैसे होता। डॉट देन लिख देते आप, रिजल्ट लिख देते आप, इंप्लाइज ऐड करते, सोल डॉट लॉग खुश, वही सेम काम अब हम देखेंगे यहाँ पे, डाला 7 और 7 आ गया, ऑल गुड। देन और कैच को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो देन के रिजल्ट की जो चीज़ है वो यहाँ पे आ रही है, तो वही चीज़ जो है वो आंसर्स में आ रही है अगर अवेट लगा दिया तो, सही है। इन दोनों कोड्स को आप अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर, यहाँ से देन हटा दिया आपने तो वो अवेट के बाद वाली अवेट इसका जो आंसर है वो आंसर्स में चला गया, वैसे जैसे कि इसका जो आंसर था वो रिजल्ट में आ रहा था और कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट किया था। इसको आप चाहें तो इसको कर दें, प्रॉमिस बेसिकली रिटर्न कर रहा है रिजल्ट के अंदर, बिल्कुल, और रिजॉल्व रिटर्न कर रहा है बेसिकली देन के अंदर। जी जी जी, आप कंफ्यूज और ठीक है, सही है, ऑल गुड, आगे चलते हैं। Answers, await, inquirer, dot prompt, ये आ गया हमारे पास, हम async await का syntax यूज करेंगे। अब एक चीज और है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ रही है मेरा गैस, मेरा गैस, ठीक है। अब एक मुझे एक और मैं अपना ले लेता हूँ, let actual answer, यहाँ पे एक रेंडम नंबर मुझे चाहिए, रेंडम नंबर ऑटो जनरेटेड, खुद ही जो है ना कंप्यूटर सोच ले। अभी मैं मिसाल के तौर पर समझ लेता हूँ मेरा आंसर है 7, लेकिन मैं इसे रेंडम करूंगा अभी, अभी मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ इफ आंसर इक्वल इक्वल एक्चुअल आंसर, वो मैं बोल दूंगा कंसोल डॉट लॉग यू गेस्ड इट राइट। अभी सब हम हार्ड कोडेड करते हैं, बाकी फिर इसमें अभी जान डालेंगे, अभी यू गेस्ड इट रॉन्ग, ठीक है। अब हम चलाते हैं, मैंने डाल दिया 8, क्या बोलेगा वो, यू गेस्ड इट रॉन्ग, और आउटपुट मेरा एज इट इज प्रिंट कर रहा है जो यहाँ मैंने लिखा था, और ये लाइन चली, ये नहीं चलाई, दोबारा मैं प्रिंट करता हूँ और अब 6 डाल, 7 है ना, मैं 7 डालता हूँ तो यू गेस्ट इट रॉन्ग, फिर से रॉन्ग हो गया। अब बताएं क्यों रॉन्ग हो गया भाई, आउटपुट मेरा 7 है, इक्वल इज़ इक्वल टू, सॉरी हाँ बताएं क्या गलती है इसमें, क्योंकि आंसर्स इज इक्वल टू एक्चुअल आंसर किया है मैंने, आंसर्स नहीं करना, आंसर्स डॉट मेरा गैस करना है, सही है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, सही है, समझ में आ गया, नहीं आया तो दोबारा सुने। अभी देखें मैंने आंसर इक्वल एक्चुअल गैस आंसर किया, मैंने 7 लिख दिया लेकिन 7 पे चला नहीं। अभी मैं आपको ना इसकी टाइपस्क्रिप्ट की पावर दिखाने वाला हूँ, अभी रुके, मेरा गैस मैंने लिखा यहाँ पे और अब मैंने चलाया, मैंने 7 लिखा तो यू गेस्ड इट राइट आ गया, ठीक है। पहले मैंने क्या कंपेयर करा दिया था इन्हें, अच्छा तो वो जो है ना वो 7 डालने पर यू गेस्ड इट रॉन्ग ही बोल रहा था, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट को 7 से बराबर कर रहा था। अब हम इसमें टाइप्स डालते हैं, सबसे पहले तो इस नंबर पर टाइप डाल दो भाई, ऐसे आप नंबर बना देंगे इसे, सही है। और अगर मैं इसे कर देता स्ट्रिंग तो देखें एरर फेंकने लगे, क्योंकि स्ट्रिंग है और इज इक्वल टू 7 क्या मैंने, नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, तो मुझे यहाँ पे या तो यहाँ नंबर करूँ या फिर इसे यहाँ पे स्ट्रिंग करूँ, सही है। तो खैर मुझे इसको नंबर ही रहने देना है और इसको स्ट्रिंग हटा के नंबर करना है, एक ये काम हो गया। अब आंसर है ये भी एक इज इक्वल टू जहाँ जहाँ लगे हुए होते हैं ना उधर समझ लें आपने टाइप्स डाल लिए, इसकी मुझे एक टाइप बतानी है, तो मुझे इसकी क्योंकि एक ऑब्जेक्ट टाइप है तो मैं answers type
इंटरफेस यूज कर लेता हूँ एक्सटर्नल, उसमें मुझे जो मिल रहा है वो मेरा गैस मिल रहा है, इसकी टाइप हम क्या कर चुके हैं नंबर, सही है। अब ये टाइप मैंने बना दिया ग्रे है, यानी कि मैंने इसे यूज नहीं किया, तो मैं इसे लिख दूंगा यहाँ पे। अब ये टाइप इसको यहाँ मिल गई, अब यहाँ देने से ये यहाँ आने लग गया मसला। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, दिस कंपैरिजन अपीयर्स टू बी अनइंटेंशनल बिकॉज द टाइप्स आंसर्स हैव ए नंबर हैव नो ओवरलैप। तो सारी जो हमने मसला टाइप स्क्रिप्ट जो डाली है, हमने सारी जो पंचायत की है टाइप स्क्रिप्ट की, वो इस एरर के देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी, ठीक है ना, कि हम ये एरर देख पाए। टाइप स्क्रिप्ट ने हमें ये मदद दी है, वो क्या मदद दी है भाई कि एक्चुअली मैं अब ये जावास्क्रिप्ट नहीं बता रही थी मुझे यहाँ पे कभी एरर आ रहा था, नहीं आ रहा था, यहाँ पे बता रही है कि हैव नो ओवरलैप बिकॉज द टाइप्स आंसर्स टाइप एंड नंबर हैव नो ओवरलैप, ये दोनों टाइप बराबर नहीं है। आप एक आंसर्स की जो टाइप है वो आंसर्स टाइप है, एक्चुअल आंसर की जो टाइप है वो नंबर की टाइप है, ठीक है ना, वो नंबर है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही है, इसकी टाइप तो ऑब्जेक्ट है, इसकी टाइप नंबर है, इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो। तो ये हमारे इस टाइप स्क्रिप्ट का ये फायदा होता है कि वो अगर गलत टाइप्स को कंपेयर कर दिया या गलत टाइप पास कर दी किसी फंक्शन को, जो वो मांग रहा था वो नहीं पास करी, तो जावास्क्रिप्ट हमें अलाउ कर देता है, टाइप स्क्रिप्ट बेचारा वहीं रोला डाल देता है, वहीं ये लाल होना शुरू हो जाएंगी इनकी, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना, ये था हमारा सारा गेम, सारा हमारा असल मकसद कि हम ये एरर को देख लें, ये देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी, सही है। तो ये था लिंक, अब 8 डाला हमने, यू गेस्टेड रॉन्ग, 7 डाला हमारा हमने, तो यू गेस्टेड राइट, ठीक है जी। तो अब एक तो ये वैसा नहीं है, एक तो ये खत्म हो रहा है और ये 3 बार भी नहीं पूछ रहा, तो वो चीज डाल ली है हमने, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, हमें एक लूप में मैं सब घुसा दूं कि ये पूरा बार बार मुझे क्वेश्चन पूछता रहे बार बार, इसको मैं लूप में कर दूं, और ये टोटल ट्राइज है, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि टोटल ट्राइज 3 बार तक चले, लेट नम ट्राइज इज इक्वल टू, कितनी ट्राइज देनी है इसे, 3 देनी है, 4 दें, 5 दें, ये सब हमारे ऊपर है, अभी 3 दे रहा हूँ, ठीक है। और हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, व्हाइल लूप ले लें, कुछ भी ले लें, नम ट्राइज ग्रेटर देन 0 तक आपका ये पूरा कोड चलता रहेगा, सही है। और ये फंस जाएगा इनफाइनाइट लूप में, क्योंकि व्हाइल लूप नम ट्राइज को मैंने चेंज ही नहीं किया, जो 3 पे नहीं चला इसका, तो 3 ही है, तो मैं इसको माइनस माइनस कर दूंगा यहाँ पे, यानी कि ये लाइन इसके बराबर है, ठीक है, इसमें से एक कम कर दो, 3 है तो 2 कर दो, 4 है तो 3 कर दो, ठीक है। अब ब, 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 अब हम क्या करेंगे, यू गेस्ट इट राइट, यू गेस्ट इट रॉन्ग, और उसके बाद हम क्लोज सोल्व कर देंगे, यू हैव नम ट्राइज लेफ्ट, ठीक है, सॉरी ये लेफ्ट नंबर है। अब देखें एक चीज क्या हुई, अभी जब मैंने ये लिखा ना, तो लेफ्ट लिख के मैंने एंटर कर दिया, लेकिन उससे ना एक ऊपर भी इम्पोर्ट आ चुका है, देख रहे हैं आप, तो ये एक है, कभी कभी आपने बाहर लिया तो कुछ कभी कभी ऊपर इम्पोर्टेड लाग ले जाता है कभी कभी, तो ये ऐसे आपको भी नहीं आएगा, ऐसे कंट्रोल जेड कर दिया करें, ऊपर से डिलीट कर देगा, तो खैर लेफ्ट, ठीक है, यू हैव ये आपका जो है वो इसके अंदर वेरिएबल घुसा सकता हूँ मैं, ये वाले बैकटिक्स हैं, ये स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाते हैं, ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल भी डाल सकते हैं, तो ये नम ट्राइज का वेरिएबल उठाएगा और ये माइनस माइनस करता रहेगा, अभी उतनी बार ही चलता रहेगा, बार बार ये पूछेगा। ये पूरा कोड जो है मैंने ना मेंटली सोचा कि यार ये पूरा कोड बार बार चलना चाहिए, दोबारा नंबर डाल, दोबारा नंबर डालो भाई, दोबारा नंबर डालो भाई, पूछेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसा चल रहा है, मैं पूछता हूँ 5, इसने बोला यू हैव यू गेस्टेड रॉन्ग 3 ट्राइज लेफ्ट, इसने बोला 2, यू गेस्टेड रॉन्ग यू हैव 2 ट्राइज लेफ्ट, ठीक है, तो फिर से 3 ट्राइज बोल रहा है और 2 बोल रहा है, इसको कैसे फिक्स करना है अभी हम देख लेते हैं। 8, यू हैव 1 ट्राइज लेफ्ट, तो गलत, तो इसको मैंने -1 कर दूंगा, ठीक है, यू गेस्टेड रॉन्ग, और आंसर क्या है मेरा, जब मैंने अगर 7 डाल दिया तो सही हो जाएगा, तो दोबारा चला के देखते हैं, 2, 4, यू हैव 1 ट्राई लेफ्ट, 1 डाला, यू हैव 0 लेफ्ट, और गेम खत्म हो गया, सही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारा यू हैव 0 ट्राइज लेफ्ट, और अगर हमारे पास ये पॉइंट भी, अब हमें क्या करना है, लॉजिक बिल्डिंग करनी है, अब कौन सी लाइन कहाँ लिखनी है, कौन सी लाइन चल जाएगी, रोकनी है, उनको लूप के अंदर घुसाना है, बाहर घुसाना है ना, ये सब आपको सोचना पड़ता है। अच्छा, अब क्या करें इसको, मैं इसको ये कर सकता हूँ कि करेक्ट वाला सिनेरियो नहीं चलाया मैंने, करेक्ट वाला सिनेरियो नहीं चलाया, करेक्ट वाला सिनेरियो में चलाता हूँ, 5 लिखा और अब मैं, मुझे पता है कि 7 पे वो एक्सेप्ट कर लेगा, मैं 7 डालता हूँ, तो यू गेस्ट इट राइट, उसके बाद यू हैव 1 लेफ्ट, और फिर से नंबर डालो, भाई आ गया,
दोबारा से कोड चल गया मेरा, ये समझ में आया आपको? सही है, ये आपको मसला समझ में आ गया? हाँ, सादिया को पढ़ रही है क्या खाली? बाकी लोग भी, बाकी लोगों समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया? देखिए बिल्कुल गुड है, ठीक है। कोड वाला एरिया थोड़ा एक्सपेंड करते हैं सारी। कौन सा कोड वाला, ये वाला की आउटपुट वाला, टर्मिनल वाला? नहीं नहीं सर, ये स्क्रिप्ट वाला, टर्मिनल वाला नहीं, दूसरे वाला, या फाइल वाले को थोड़ा शॉर्ट कर देना, वो थोड़ा तंग है। ज्यादा कोड लिखे ऐसे कर दे जी सर, जहाँ पर आपकी फाइल्स खुली हुई है ना, इसको थोड़ा छोटा कर दे प्लीज। ये सही है, बाकी तो ये तो थैंक यू, बाकी जूम तो रखूँ ना मैं, ताकि कोड नजर भी तो आए, ठीक है? जी जी अच्छा, अब देखें मसला क्या हुआ कि 7 पे यू गेस्ड इट राइट आया, बट यू हैव 1 लेफ्ट और दोबारा से शुरू हो गया जनाब, नंबर डालो भाई, ठीक है? इसमें मैं क्या कर दूंगा, अब मैं बोल दूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर, यहाँ क्यों ना मैं जब अगर राइट हो गया, मैं नम ट्राइज को जीरो कर दूँ, एक ये मैं काम कर दूंगा, डायरेक्ट खुद ही जीरो कर देता हूँ, सही है? तो अगर मैंने अभी से जीरो कर दिया तो अब ये यहाँ पे जब वाइल लूप आएगा, जीरो हो जाएगा, तो मेरी कंडीशन नहीं चलेगी। ये मेरा एक दिमाग लड़ाया मैंने, अब चला के देखते हैं, कंट्रोल सी दबा चला के देखते हैं, शायद इसे चल जाए। जैसे कि मैंने 5 डाला और 7 डाला, तो यू हैव -1 लेफ्ट, ये जनाब क्या हुआ, अब ये गड़बड़ हो गई, सही है? तो ये सारी गड़बड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्राई करें। तो मैं इसको ना, मेरा दिमाग तो तेज है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मैं इसे पहले ले जाऊँ, ठीक है ना? ये मैं इससे पहले ले गया, तो अब मैं चलाता हूँ, मैंने 4 डाला, यू हैव 2 लेफ्ट, यू गेस्ट इट रॉन्ग, मैंने 5 डाला, यू हैव 1 लेफ्ट, यू गेस्ट इट रॉन्ग, मैंने 7 डाला, यू हैव 0 लेफ्ट, यू गेस्ट इट राइट, ये तो बिल्कुल सही चल गया। लेकिन मैं इसे दूसरी बारी में मैं इसे 7 देता हूँ अगर, तो यू 7 डाला, यू हैव 1 लेफ्ट, यू गेस्ट इट राइट, और कोड खत्म, सेट नहीं हो गया बिल्कुल, काम ही नहीं हो गया फिर, है सही है ना? ठीक है जी, तो यू गेस्ट, यू हैव 1 लेफ्ट के बाद इसने यू गेस्टेड राइट भी कर दिया और गेम भी खत्म हो गया, यू गेस्टेड राइट और हुर्रे गेम एंड, हुर्रे यू गेस्टेड राइट और गेम एंड्स। अब एक दो चीजें रह गई हैं हमारे पास, एक में इसमें ये रहता है कि एक तो दो 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 के रैंडम नंबर नहीं है, ये भी तो नहीं बताना चाहिए ना कि यू हैव 1 लेफ्ट, यू हैव 1 लेफ्ट, ये भी नहीं बताना चाहिए। अगर ये भी आपने करना है तो फिर आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। अब अगर आपने ये भी चाह रहे हैं तो आप इसको उठा के इसके नीचे रख दें, यू गेस्टेड रॉन्ग और यू हैव 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, सही है? आप इसको उठा के यहाँ रख दें, इनकी फरमाइश भी पूरी कर लेते हैं। अब ये सक्सेसफुल के केस में नहीं बताएगा, देखें आप, मैंने डाला 4, इसने बोला यू गेस्टेड रॉन्ग, यू हैव 2 लेफ्ट, आपने डाला 7, यू गेस्टेड राइट, हुर्रे गेम एंड्स, ठीक है, खुश हैं। अब उसने नहीं पूछा, तो इसी तरीके से सोचें, चाहिए ना? हाँ, उसी तरीके से सोचें क्या होगा क्या नहीं होगा, एक चीज ठीक करेंगे दूसरी हिल जाएगी, तो ये तो मैंने ठीक करी है ना, इससे कोई भी चीज नहीं हिली, तो लेकिन आप जब ठीक करेंगे ना तो 4 चीजें हिल जाएंगी, तो यही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इसी गेम से। पहले एक सही वाला बना लें, गेट पे पुश कर दें, बैठ जाए, फिर आप खेलें इसके साथ, सही है? अच्छा, अब क्या है कि अब यू हैव डैश लेफ्ट, ये हो गया, अब क्या करना है जी, यू गेस्टेड रॉन्ग, यू गेस्टेड राइट, गेम है। अब मैं एक चीज करूंगा कि यार हर बार 7 ही मेरा आंसर है, एक तो पहले इसको रैंडम करना है मैंने, कि हर बार रैंडम नंबर सोचे, और उसके बाद में ये भी चीज कर सकता हूँ कि एक मैं ये चीज कर सकता हूँ कि प्ले अगेन वाला ऑप्शन दे सकता हूँ, ठीक है, दोबारा प्ले करना ही नहीं करना, और टेल इफ अ नंबर आंसर इज ग्रेटर और लोअर, एक मैं ये भी ट्राई करूंगा कि जो आपने जो नंबर डाला है उससे थोड़ा भी ऊपर डालो या नीचे डालो, ये भी एक हिंट दे दूंगा मैं। तो पहले तो मैं इसे रैंडम करता हूँ, पहले हम वाला पार्ट करते हैं, ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। अब ये रैंडम ही तो हर बार 7 ही हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ डॉट रैंडम एक ये फंक्शन है, सही है? म्यूट कर लें भाई, ये किस कौन है, इनको म्यूट करें। मैथ डॉट रैंडम रैंडम, ये मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखें रैंडम है 0.6, बंद करें। ये जो रैंडम नंबर है 0.2, इसकी खास बात ये है कि ये 0 से लेके 1 तक के नंबर जनरेट करता है, 0 से लेके 1 तक, लेकिन इन सब में एक पैटर्न है, 0 से 1 तक में मुझे एक चीज नजर आ रही है कि मुझे तो 1 से लेके 10 तक चाहिए। तो देखें 0.6, 0.2, 0.9, ये देखें 6 पॉइंट के बाद देखें 2, 9,
ये सारे नंबर मेरे काम के, अब मुझे क्या करूंगा मैं इनके पीछे से देखें, 4 भी आ रहा है, सब नंबर आ रहे हैं, 0.4 आ रहा है, 0.4 दोबारा आ गया, तो मुझे सारे नंबर एक तरीके से 0.1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, क्योंकि 1 से 0 से 1 तक है, मैं किसी तरीके से पॉइंट के बाद वाली चीज को उठाना चाह रहा हूँ, क्यों ना मैं इसे सिंपली मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं। अब देखें इससे क्या होगा, देखिए 3 आ गया, 3 पॉइंट, अभी पॉइंट को हम इग्नोर करते हैं, भी देखें 1 आ गया, और इस तरीके से जो रैंडम नंबर आ रहे हैं, कभी 5 सोच रहा है ये, अभी हम हमारे मतलब के तो सोच रहा है, बस अब फ्लोट आ रहा है, फ्लोट को हटाना है, ठीक है, 0 आ गया इस बार ही समझ लें, अब 8 आ गया इस बार ही समझ लें, और 1 आ गया इस बार ही समझ लें। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 इस पूरे को मैं एक और, मैं आपको ये मैथ की ग्लोबल लाइब्रेरी है, इसमें कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ग्लोबली अवेलेबल है, मैथ की लाइब्रेरी कह लें, इसे ऑब्जेक्ट कह लें, इसके अंदर रैंडम का मेथड है, ब्रैकेट लगा हुआ है, फंक्शन है, ठीक है, मेथड और फंक्शन, यार मेथड और फंक्शन में फर्क पता है भाई, मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे, फ्लोर का मेथड ये देखें, जो फंक्शन मेथड भी फंक्शन ही होता है, लेकिन मेथड जो होता है वो क्लास का फंक्शन होता है, वो क्लास के अंदर लिखा होता है, उसके वो मेथड है, फंक्शन ही होते हैं बेसिकली, दोनों सेम ही समझ लें, अब आप उसे फ्लोर कर लेंगे तो हमारा काम हो गया। क्या आया अभी, रैंड नंबर इज 6, गुड, अब क्या आया 3, नजर आ रहा है, क्या आया 8, हमारा काम ही नहीं हो गया, सही है, रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं 6 3 8 4, अब क्यों ना मैं उठा के जो मेरा नंबर 7 था, 8 को डुबा हुआ था, 7 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, रैंडनम, ये वाली चीज में लिख दूंगा, ये रैंडनम ऑटोमेटिकली जनरेट होगा ना, तो वो यहाँ फिट हो जाएगा। अब मैं इसे अगर मैं रखता हूँ, अभी हम कोड अपना चला के देखते हैं, कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है, नंबर डालो भाई, रैंडनम इज 2, असल आंसर किस पे चलेगा, ये कोड मेरा 2 पे, मैं डालता हूँ 7, क्या बोल रहा है, यू गेस्ड रॉन्ग, यू हैव 2 लेफ्ट, मैं डालता हूँ 9, यू हैव 1 लेफ्ट, मैं डालता हूँ 2, जो मेरा असल आंसर है, ठीक है, यू गेस्टेड राइट, गेम एंड्स, सही है ना, तो सही हो गया, अब ये 2 था मेरा आंसर, और मैंने यहाँ पे शो करा दिया था, मैं एक बार फिर से खेल के देखता हूँ अभी क्या गेस करता हूँ नंबर, रैंड नंबर इज 0, खैर इसको मैं +1 भी कर सकता हूँ, लेकिन हम इसको दोबारा प्ले कर लेते हैं, 0 वाला इशू को भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे +1 कर दीजिएगा एंड में, ताकि वो 0 ना सोचे, ठीक है, पर वो 11 तक नहीं चला जाएगा, नहीं वो 0 से 1 तक रहता है, तो वो 1 कभी नहीं आएगा, तो वो 10 ही आएगा, 1 से 10 ही करता है वो, सही है, वरना आप सिंपली आप गूगल कर सकते हैं कि रैंडम नंबर js रैंडम नंबर 1 to 10, अगर ये एक्सप्रेशन बनाने में आप लोगों को वो हो गया ना, तो आप ये चले जाएं कहीं से भी उठा लें ऐसा, जनरेट रैंडम नंबर 1 to 10 इन js, तो ये कोड जो बताएगा ना, आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे जाके उठा लें, सही है, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए, अभी हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, तो ये देखें +1 इन्होंने लगाया हुआ, यही सिंटेक्स है एक्चुअली, तो इन्होंने समझाया हुआ ये, खैर अच्छा, तो +1 इसलिए लगा रहे होते हैं, तो अगर ये नहीं समझ में आया ना, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं लड़ाइएगा, अभी कॉपी पेस्ट मार्क करके छाप लीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है, बाद में समझ आ जाएंगे आपके काम, अभी मैं चलाता हूँ, लेकिन मैं क्या चलाऊँ, नंबर डालो भाई के बाद, अच्छा आंसर है 9, मैं डालता हूँ 3, मैं डालता हूँ 5, मैं डालता हूँ 9, तो यू गेस्टेड राइट गेम एंड, तो मैं पहली बारी में भी एक्सेप्ट कर लूँ, मुख्तलिफ सिनेरियो चला के देखें, 2 चलाया तो यू गेस्टेड राइट गेम एंड, ठीक है, तो मेरा काम तो चल रहा है, अब मैं इसको जो है ना, अभी ये मैं रखे रहने देता हूँ, अभी अपना चीटिंग वाला चीट कोड ये मैं अपना चीटिंग वाली पार्ट रखे रहने देता हूँ, अभी मैं देखता हूँ यला इंप्लीमेंट करता हूँ, पहले प्ले अगेन को छोड़ दें, ये आप लोग ट्राई करिएगा, मैं यला करता हूँ, इफ नंबर इज ग्रेटर और लोअर, ये हिंट भी देनी, अब जब वो हिंट मैं तब दूंगा, जब वो गैस रॉन्ग करेगा ना, तो मैं उसको एक बार बता दूंगा, मुझे कि मैं थिंक हायर या थिंक लोअर, मैं इसको ये बताना है मुझे कि हायर सोचो या लोअर सोचो, तो मुझे यहाँ पे और मुझे इफ भी चेक करना पड़ेगा कि जिसने गैस किया वो नंबर और जो एक्चुअल आंसर है वो नंबर, वो उससे बड़ा या छोटा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई एक्चुअल आंसर अगर बड़ा है इससे आंसर्स डॉट मेरा गैस, अगर वो बड़ा है तो बोलूंगा थिंक हायर भाई बड़ा सोचो, वरना मैं बोलूंगा थिंक लोअर, अब देखते हैं कि ये सही चलता है कि नहीं चलता, ये कंडीशन मेरी देखें खुद ही सही हो गया, वो पीटीआर वगैरह हुआ है, खैर अब चला के देखते हैं हम, मैं डालता हूँ आंसर 9 है, अब उसने क्या बोला, यू गेस्ड रॉन्ग, थिंक हायर बढ़ाओ, मैंने बोला अच्छा भाई कितना बड़ा हूँ 6 कर लेते हैं, फिर उसने बोला यू गेस्ड रॉन्ग, थिंक हायर, यू हैव 1 लेफ्ट, सही है, ऑल गुड, 6 है, क्योंकि असल आंसर क्या है मेरा, कहाँ था, 9 उसने सोचा हुआ है, मैं चलो 8 कर लेता हूँ, अब 0 लेफ्ट, यू गेस्ड रॉन्ग, थिंक हायर, यू हैव 0 लेफ्ट, और खैर अब थिंक हायर का बताने का फायदा भी नहीं, अब ये भी कर सकते हैं कि एंड में थिंक हायर हटा दें,
जब वो जीरो लेफ्ट ही हो गया ना, तो खैर ये भी आप कर सकते हैं, काम अभी हम नहीं कर रहे। तो हमारा यहाँ पे गेम समाप्त होता है यहाँ पे, प्ले अगेन आप खुद डालिएगा फंक्शनैलिटी, ठीक है। और यहाँ से अब मैं हिंट हटा देता हूँ, और हिंट हटा के आप खेलते हैं। अब बताएं ना, अभी तो आप आंसर देख देख के बता रहे थे, अब बताएं। अब हमें नहीं पता उसने क्या गेम सोचा है। नंबर डालो भाई, क्या नंबर डाले? फाइव डालते हैं, थिंक लोअर, ठीक है ना। मेरा गैस पांच, अभी आंसर पांच है, वो तो यहाँ भी नजर आ रहा है। नहीं, मेरा गैस पांच है ना। अच्छा, ये तो मैंने जो इनपुट किया है, इसको भी कमेंट करते हैं, कोड क्लीन होना चाहिए, इसको भी कमेंट करते हैं। चलो पैर अभी तो चलाते हैं, बताएं अभी क्या डालूं पांच के बाद। अबे भाई चैट पे नहीं बताओ क्या डालूं, मुझसे बोल लूं। दो 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 दो, यू थिंक हायर। अब आपको क्या पता चला इससे कि दो से बड़ा है और पांच से छोटा है, सही है? दो से बड़ा है और पांच से छोटा है। अब बताओ, अब नंबर डालो भाई, क्या डाले? एक ही ट्राई है, या तो तीन हो सकता है या चार हो सकता है, क्या डालें? थ्री डालते हैं, सही है, सही है, बचत हो गई, थ्री था, सही है। चले अभी दोबारा प्ले करते हैं। नंबर डालो भाई, क्या डालें? सिक्स। क्या करें? फोर थ्री सर, फोर या थ्री फोर, इन दोनों में से फोर डाल लिया। चले जी, अब थिंक लोअर, और नीचे जा रहे हैं भाई, आखिरी मौका है। अभी एक, दो या तीन, इनमें से कोई भी एक रहता ही है ना, ये थिंक लोअर करना है, चार से छोटा है, तो एक दो या तीन, क्या डाले? क्या सर, दो कर लेते हैं। मैं सोच सुनना चाह रहा हूँ, कोई ये तो नहीं है कि अभी चार पांच छह सात तो नहीं बोल रहा, कोई ऐसे लोग तो नहीं जो अभी सो रहे हैं? सर दो दो दो, सही है, दो डाल दो। ओए लकी लकी यार, एंड में फिर तुक्का सही मार लिया, एक दो तीन में से दो आंसर था। चले आखिरी बार खेलते हैं, अब क्या नंबर डालें? टेन सर, कुछ मिडल वाला डालते हैं। टेन डाल, लोअर थिंक लोअर, बताएं, चली गई। फाइव, बिल्कुल सही कह रही है, आ रही है कि मिडल वाला हमेशा डालना चाहिए, लेकिन अभी तो हम रैंडमली कर रहे हैं वो तो। हाँ, अब बताएं आखिरी मौका, थिंक हायर, दस भी नहीं, बात भी नहीं, सेवन डालते हैं, क्या बोल रहे हैं? एट, चले एट डाल देते हैं, जीरो लेफ्ट, थिंक लोअर, छोटा था, शायद सेवन हो सकता था। सर प्लीज स्किप इट टिल हेयर, फहाद इदरीस, टिल हेयर का क्या मतलब है? अभी यार लेक्चर नहीं कर रहा हूँ या क्या? साढ़े चार हो गए यार, तीन बजे शुरू किया था, नहीं साढ़े तीन बजे शुरू किया था ना हमने। चलो एक अला काम हो गया हमारा, मजा आया आप लोगों को, ठीक है जी, बिल्कुल सर, इट वाज एक्चुअली गुड सर। एक चीज बिफोर आप इसको, इस असाइनमेंट को फिनिश करें, इसको अगर हमने दोबारा लूप में चलाना है तो थोड़ा सा एक हिंट देके जा सकते हैं। लूप वाला नहीं, नहीं लूप वाला काम मैं आपको ही करा रहा हूँ, मैं ही आपको करा देता हूँ, क्योंकि मेरा मूड था कि मैं आपको पांच प्रोजेक्ट करा देता आज तो, लेकिन वो जल्दी जल्दी में कराने का काम फिर अभी है नहीं यार, सुकून से कराऊं। और दो ऑप्शन है, या तो मैं जल्दी जल्दी में करा दूं और इतने सिनेरियो कवर नहीं करूंगा जितने मैंने आज किए, या मैं आपको पे सपोर्ट। ये अच्छा है, ये अच्छा है, हमने बड़ा डिटेल से किया है ना, तो हमें ज्यादा अच्छा समझ आया है मेरा ख्याल। तो वोट कर लेता हूं मैं, वोट में क्लास के बात करूंगा, अभी मैं हम वाला पॉइंट अब कर लेते हैं कवर। आखिरी वाला क्या था, इसको लूप में करना है ना, मैं आपको सिखा देता हूं, बाद में हम देखेंगे आइंदे में हम एक ही प्रोजेक्ट को इतना लंबा लंबा खींच के करें या फिर वो कर लेंगे जल्दी जल्दी करें। चले अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मुझे पूछना है कि प्ले अगेन, अगर प्ले अगेन है कि नहीं, ठीक है ना, वाइल अब दो ऑप्शन है, डू वाइल भी कर सकते हैं कि वो बार बार जो है ना वो चलता है जब तक वाइल लूप ट्रू है, तो वाइल लूप फॉल्स कब होगा, मुझसे एक और इनपुट लूंगा और उस पर मैं उसको फॉल्स कर दूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें गेन थोड़ा सा हो रहा है ऊपर, वाइल प्ले तो ये कर लेते हैं। तो फिर नंबर को मैं अब यहाँ पे एक बुलियन ले लेता हूँ, ट्रू या फॉल्स होगा ना इसकी कंडीशन, तो मैं एक बुलियन टाइप इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइल प्ले, अब ये पूरी चीज मेरी वाइल में होनी चाहिए, पूरा का पूरा कोड ऐसा ही है, और ये खुद इंडेंटेशन हो गया, मैंने उठा के एक टैब ऊपर करता। अब प्ले को मैंने कभी नेगेटिव करना है, पॉज करना है, अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मुझे उससे एक और क्वेश्चन लेना पड़ेगा, सही है कि यार इसको दोबारा उससे मुझे उसको इंक्वायर करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे आप? कंटिन्यू रखो नहीं जी, कंटिन्यू रखें या ना रखें ये पूछे जी, तो कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगी बताएं।
अब आपके पास इंक्वायरर का भी मेथड पता है, आपको लूप्स भी पता है, व्हाइल लूप भी पता है, अब आप कहाँ लगाएं? एंड पे लूप खत्म होने से पहले माइनस माइनस के बाद यहाँ पे सर जब ये अंदर वाला लूप खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे हम लगा लें एक और इंक्वायरर लगा उसके बाद उसके बाहर हाँ जो वैल्यू बढ़ेगा तब इधर लाइन नंबर बता लाइन नंबर सर लाइन नंबर 39 के बाद 39 के पहले इस वाइल से 22 के बाद जो है हम वो लिखेंगे ना नेम टाइप्स और मैसेज देंगे ना उसको यस और नो मैंने लिख दिया ना लेकिन यहाँ पे लिखने का मसला ये है कि ये मेरा शुरू में ही पूछ लेगा या मैं पूछ लूँ उसको भाई प्ले गेम अच्छा अब देखें एक सेकंड रुकें इससे पहले बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अभी जो मैंने वाइल लगाया ना ये हटा देता हूँ मैं इसको गिट पे जाके ये सारी फाइल्स को भाई ये नोड मॉड्यूल कहाँ से अब हिस्सा आ गया 3000 गिट इग्नोर की फाइल कहाँ गई ये थोड़ा सा कभी कभी लोडिंग में ना ये जनाब इसमें मैंने क्रिएट ही नहीं की थी क्या डिलीट कर दी थी सॉरी वो मैंने अच्छा उस टाइम पे वो जो एक फाइल डिलीट हुई थी वो मुझे लग रहा है गिट इग्नोर कर दी थी मैंने डिलीट सही है 3000 से 5 हो जाए 6 हो गया जो भी है अब इसमें मैं सारी की सारी ऊपर ले जाऊंगा स्टेजिंग में अब देखें कि मैं अगला काम करने लगा ना इसको मैं कमिट भी कर देता हूँ ये मैंने क्या किया है कौन पैकेज का नाम क्या है गेस्ट नंबर गेम सेटअप सेटअप तो हो गया मतलब रनिंग वर्किंग तो हो गया क्योंकि अब जो काम करें अब हम उसको प्ले अगेन का ऑप्शन डाल दें फीचर डाल दें अब जो मैं कमिट करूँगा प्ले अगेन फीचर एडिट तो ये मैं लिखूंगा बाद में जब ये मेरा बन जाएगा अभी नहीं ठीक है तो अभी ये देखें कमिट होकर चला गया ताकि अब मेरा ये काम कोड सेव हो गया अब मैं कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ ना तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो ये मैं प्रैक्टिस फॉलो करा करें आप एक कोड जब चल जाए उसको वहाँ पे ले जाएं ठीक है अब क्या करना है अब मैं दोबारा से चलें वो मैंने जो बनाया था यहाँ पे मैंने क्या लिखा था जी लेट प्ले बूलियन इक्वल्स टू ट्रू और यहाँ मैंने किया था वाइल प्ले और इस पूरे को उठा के मैंने यहाँ रख दिया था और ये टैब खुद ही लग गया अब मुझे अब मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा अगर तो अब मुझे ये फायदा है कि यार ये जो मैंने काम किया है ना उसको मैं उल्टा कर सकता हूँ इसको मैं प्ले के प्ले अगेन कर लेते हैं और मैसेज कर लेते हैं प्ले अगेन ठीक है अब इससे होगा ये अब जब मैं गेम रन करूंगा ना तो वो जनाब नंबर डालो भाई मैंने डाला 4 वो मुझसे अभी से पूछ रहा है प्ले अगेन करना है मैं बोल रहा हूँ हाँ तो भाई मुझे अभी नहीं बताना इसे यस या जो भी है तुम्हें उस एंड में पूछे ना यार ऐसा ही है भाई हूँ तो मुझे अब आपको पता चला ये प्ले अगेन में यहाँ क्यों नहीं डाल सकता तो ये मसला था इसे मैं इसे यहाँ तो नहीं डालूंगा ठीक है और मैं इसे कहाँ डालूंगा अब देखें ये मैं खैर गिट भी आपको दिखा दूँ ये चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं और इंडेक्स डॉट जेएस भी खैर आ गई अपडेट हो रही है वो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके फाइल ओपन कर लेता हूँ उसको बंद कर देते हैं क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे आपने कहा इस ब्रैकेट के बाहर डालेंगे अब फिर यहाँ पे एक इंक्वायरर ले लो आप एसिंग का बीट वाला दो बार इंक्वायरर कैसे यूज करोगे आप प्ले आंसर ठीक है इसकी आंसर टाइप ये नहीं होगी इसका मैं नाम क्या रखूंगा प्ले अगेन आंसर है ये प्ले अगेन है ये इसमें है इसका मैसेज होगा वाना प्ले अगेन ठीक है इसकी टाइप क्या होगी कंफर्म ठीक है और अब प्ले अगेन को मैं प्ले अगेन को मैं प्रिंट करके देखता हूँ भाई इसमें क्या वैल्यू आ रही है प्ले अगेन आंसर में अब मैंने डाला नंबर डालो भाई 34 4
तीन गेम मेरा खत्म हो गया. वाना प्ले अगेन यस या नो, वाई या एन. ठीक है, मैं वाई डालता हूँ तो वो दोबारा प्ले हो गया. एन डालता हूँ तब भी प्ले हो जाएगा वो, तो वो अच्छा वाना प्ले अगेन पे एन हो गया, वो उसमें नहीं घुस रहा वो. खैर अच्छा, अब मैं एक ये मसला भी अभी हल कर लेंगे. कन्फर्म हो गया, इसकी टाइप क्या दूंगा मैं, मुझे ये बताएं पहले. तो इसकी मुझे अब एक टाइप बनानी है. टाइप में एक जनरल टाइप बनाते हैं फाइल के इंटरफेस, और हमें बनाना है यस या नो. सिर्फ वो वाई या एन लेगा ना, वाई या एन. तो मैं इसको खैर स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ, फिलहाल के लिए अभी स्ट्रिंग रहने दो. अभी इनम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं चलो हम स्ट्रिंग ले लेते हैं. आप इनम के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, यस या नो ये वो लेगा, एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, और इसके अलावा अब हम ले लेते हैं जी, स्ट्रिंग आ गई. हम इसको अगेन, सॉरी मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, शायद आपने कर लिया. हमने इसको वो जो इनिशियलाइज करते हैं ट्राइज, वो भी तो अगेन करनी है नंबर ट्राइज. वो अभी मैंने किया ही नहीं है कुछ भी, अभी बस ये मैंने बनाया है. और प्ले अगेन का आंसर मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, देखें प्ले अगेन का आंसर है फॉल्स, सॉरी एफ टू या फॉल्स आ रहा है ना. तो मैं इनम नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, मैं इसकी टाइप देखनी थी, मैं इसे बोलियन ले सकता हूँ. तो मैं इसको स्ट्रिंग नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक प्ले अगेन आंसर टाइप. मैंने इसे कॉपी किया, और जब भी टाइप बनानी होती है मैं ऊपर डिफाइन करूंगा अपने. यहाँ में लिखूंगा इंटरफेस या, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है जिस वेरिएबल में मेरा आ रहा है वो ये वाला वेरिएबल है. ये मैं उठाऊंगा नेम का, ये मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और उसकी जो वैल्यू है वो बूलियन है, ऐसा ही है. और ये सेमी कॉलन इसने खुद लगा दिया है, और इंडेंटेशन पे लिखा है. अब क्या करना है, अब देखते हैं दोबारा से चला के. हायर सोचो भाई, 6 सोच लिया. हायर सोचो भाई, 8 सोच लिया. यू गेस्ट इट रॉन्ग, खत्म हो गया. वन अप प्ले अगेन यस, मैंने वाई कर दिया, 2 आ गया. ठीक है, और वो दोबारा एंड कर दिया. अब देखें हो क्या रहा है, वो जब लूप में ये यस हुआ या नो हुआ, वो इस वाले लूप में गया, बाहर वाले में, इस वाले में वाइल प्ले में वो ट्रू हो गया. लेकिन वो ये वाले वाइल लूप में नहीं गुजरा है, वो इस वाले वाइल लूप में नहीं गुजरा. ठीक है, अंदर वाला वाइल लूप नहीं चला, उसने दोबारा से यही चल ले आ रहा है वो. यह बात आपको समझ में आ रही है, लॉजिक कैसे चल रही है. मैं यस कर रहा हूँ, फिर से पूछ रहा है वन अप प्ले अगेन, ये वाला कोड चल रहा है मेरा. ठीक है ना, ऊपर वाला वाइल लूप चल ही नहीं रहा. क्यों? क्योंकि नंबर ट्राइज जो है वो खत्म हो चुकी है सारी की सारी. मुझे यहाँ पे अब नंबर ट्राइज को, अगर यहाँ पे अब मुझे पहले चेक लगाना पड़ेगा कि अगर ये उसने यस कर दिया है प्ले अगेन आंसर डॉट प्ले अगेन इज इक्वल टू ट्रू. अगर उसने ट्रू कर दिया है तो मैं नम ट्राइज को दोबारा से कितनी दे दूँ उसे, 3 वो कर दूंगा जो नंबर ट्राइज शुरू में मैंने उसे दी थी. 3 उसको ट्राइज दी थी, वो दोबारा से ये गेम खेल सकता है. ठीक है, else में मैं क्या करूंगा, else में मैं सीधा वो जो बाहर वाला लूप है उसको चलने से भी रोकना है, प्ले को भी चलने से रोकना है. तो वो प्ले को मैं कर दूंगा फॉल्स. अब देखें आप मैजिक, हमारा कोड आप अपना ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया. इसको मैं बंद करके दोबारा से चला देता हूँ. चला 4 बोला है थिंक लोअर. अच्छा, यानी ये तो मेरा हो जाएगा, तो 2 का आंसर हो. यू गेस्ड राइट, गेम एंड्स. वाना प्ले अगेन यस या नो. अब पता है यस करूंगा तो उसको क्या करना चाहिए, मेरे से दोबारा से नंबर वगैरह का पूछना चाहिए. अच्छा, एक और गड़बड़ होगी अभी, एक अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ गेम. खैर मैं अभी यस करता हूँ तो उसने मेरे से नंबर डालो भाई, मेरे से इसने फिर पूछ लिया. मैंने डाला 4, इसने फिर बोला थिंक लोअर. मुझे पता है कि आप लोगों को इस टाइम पे आंसर ही नहीं पता कि आंसर क्या हो. आंसर देखें, पहली बारी में मैंने 2, मेरा आंसर था ना गेस्ट इट राइट, अब भी 2 ही है. मैं फिर से 2 डालूंगा ना, एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है ना, यू गेस्ट इट राइट. वाना प्ले अगेन, फिर से वाई करता हूँ मैं, 8 डालता हूँ, 9 डालता हूँ, 7 डालता हूँ. मुझे पता है कि वो नहीं चलेगा, फिर से वाई करूंगा, फिर से चले जा रहा है. चलो चले तो जा रहा है 3, 5, और 9 कर दूंगा तो एंड होना चाहिए, खत्म. 9 करने पे एंड हो गया. तो यहाँ पे मैं लॉक कर देता हूँ, एग्जिटिंग गेम. ठीक है, गेम खत्म हो गया मेरा. अब मसला ये था कि मुझे कैसे पता चला कि हर बार 2 आ रहा है, क्योंकि देखो वो जो गेस्ट नंबर था ना वो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था, एक्चुअल आंसर वो मेरा चेंज नहीं हो रहा था. अब मैं क्या करूँगा, ये एक्चुअल आंसर को भी अपडेट करना है मैंने यहाँ पे. ठीक है, ये आप देखें, मसला समझ में आया आपको क्या हो रहा था. एक्चुअल आंसर को मैं अपडेट करूंगा यहाँ पे, अब लेट शेड नहीं करूंगा क्योंकि वो तो डिक्लेयर तो हो चुका है. अब यहाँ पे रैंडम भी कर दिया अगर मैंने, तो रैंडम भी एक बार कैलकुलेट हुआ. तो इन जनाब मोहतरम को भी मैं नीचे लेकर आऊंगा, मुझे इनको भी दोबारा कैलकुलेट करवाना है कि दोबारा कैलकुलेट करो, जब मैट्रिक्स फ्लोर दोबारा चलेगा तो ये दोबारा बनेंगे. लेट आने, लेट मैं नहीं लिखूंगा कि वो लेट ऊपर लिखा हुआ है,
ये समझ में आई बात, एक बार लेट ही लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं यहाँ यूज करूंगा। अब मेरा आंसर जो पहली बार था वो सेम नहीं रहेगा, मैंने डाला चार, उसने बोला हायर, सोचो मैंने डाला पांच, बोला हायर, सोचो मैंने डाला छह, उसने बोला थिंक हायर। ये तो आपने फॉल्स में नहीं डाल दिया, ये तो ट्रू में डालना चाहिए था ना। सॉरी ये मैंने गलत जगह डाल दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मैंने प्लेयर की फॉल्स हो गया, ये यहाँ पे डालना है मैंने, यहाँ पे जब वो ट्रू होगा ना तब। जनाब आपको क्या हो गया? ये भी लिख सकते हैं इफ ये मतलब वो ट्रू ही है, मतलब इसकी वैल्यू ठीक है, डायरेक्ट भी चल सकते हैं। फिर अब हम दोबारा चलाते हैं, डालो भाई चार डाला, यू थिंक हायर, मैंने पांच डाला, थिंक हायर मैंने छह डाला, तो छह पे एक्सेप्ट हो गया, गेम एंड्स। अब मैं दोबारा से वन अप प्ले अगेन यस करता हूँ, अब मैं डालता हूँ छह, मुझे पता है लास्ट टाइम छह था, अब मैं छह डाल के देखता हूँ, क्योंकि पहले तो मेरा वो एक्सेप्ट कर रहा था ना, मैं देखता हूँ छह वाला इस बार है कि नहीं। नहीं इस बार अब यू गेस्ट इट रॉन्ग, नंबर हमारा बदल गया, सही है, ये एक मसला हमने हल किया है, हो सकता है आई होप कि आप लोगों को मसला भी समझ में आया हो और उसको हमने हल कैसे किया ये भी समझ में आया हो। थिंक हायर अब छः से चेंज हो गया, सात डाला, आठ डाला, थिंक हायर खत्म, खत्म हो गया, यू यू गेस्ट इट रॉन्ग, यू जीरो ट्राइज दैट, प्ले अगेन यस या नो, यस करते हैं। जैसे एट डाला लोअर, दो डाला, हुर्रे दो पे कलम कंप्लीट हो गया, वन अप प्ले अगेन फिर से आ गया, दूसरी तीसरी बार भी नहीं पूछा, सब कुछ सही चल रहा है ठीक है, इसको यस करते हैं। नंबर डालो भाई, चार डालते हैं, तीन डालते हैं, हायर जाने सॉरी, आठ डालते हैं, आठ फिर से सेट हो गया, गुड यार, प्ले करते हैं, आठ डालते हैं, थिंक हायर, अबे आठ से बड़ा यानी कि नौ या दस ही होगा, नौ डालते हैं, यू गेस इट राइट, और फिर से वन अप प्ले अगेन आ गया, यस करते हैं। थक गया मैं यार, समझ आ गई आप सब लोगों को? अब वन अप हम नो एंड कर देते हैं, नो गेम एंड, इसमें कोई इशू अब ये बाकी ये जो रिपीट करने वाला था ना ये मतलब चंगा काम था एक पूरा। हाँ अच्छा काम था, अच्छा खासा काम था, हमें लगता है कि ये थोड़ा सा काम होगा तो इसलिए मैंने बोला मैं करा दूं ये कि आप लोग करते हुए आप लोग डर ना जाए, बच्चे घबरा ना जाए, तो मैंने बोला यार घबराना नहीं है, मैं खुद करा दूँ, ये मुश्किल काम होता है, आईटी में बड़ा ऐसा लगता है कभी कभी काम आसान वो मुश्किल होते हैं, तो मुश्किल लगते हैं वो आसान होते हैं, तो इसलिए आप अभी हर चीज़ करा करें खुद, तो इसलिए मैंने अभी आपको करा दिए। तो आई होप कि हमारा खैर बहुत लंबी वीडियो भी हो गई है लेकिन डिटेल वीडियो हुई है, ये भी लाजमी आप ट्राई करें, आई होप आपको मज़ा आया होगा, इन्जॉय किया होगा, कोई मसला कोई इशू कोई कंसर्न कोई फीडबैक अच्छा ही बुराई आप बता सकते हैं प्लीज। यस थैंक यू सर, काफ़ी हेल्पफुल था सर। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम अब जो है ना जैसे हम रैंडम नंबर को दो दफ़ा जनरेट कर रहे हैं, तो अगर हम इसे आउटर लूप में रख दें तो ये भी तो सही रहेगा ना, लाइक लाइन नंबर 5 को हम आउटर लूप में जो बिल्कुल ऐसे ही आप ये ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ना ये मैंने दो बार लिखी है, ये मैं लाइन एक बार लिखूँ, ये ऑप्टिमाइजेशन मैं आपके पास ऊपर छोड़ता हूँ, ये लाइन मुझे एक बार लिखनी पड़े, आप ये ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है तो वो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अभी वो भी काम हो सकता है जी, बताएं। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था ये, हाँ जो जब हम इंक्वायरर में इनपुट टाइप नंबर लेते हैं ना तो इसमें वैलिडेशन का इशू आता है कि अगर नंबर की जगह कोई स्ट्रिंग ऐड कर देना तो वो वैलिडेट तो कर देता है लेकिन वो पहले वाला जो हमने टाइप किया होता है ना उसको क्लियर नहीं करता, तो इसको ये लास्ट टाइम इशू आया था मुझे कैलकुलेटर बनाते हुए, फिर मुझे उसको टाइप को इनपुट रखना पड़ा और फिर कन्वर्जन करके उस नंबर की जैसे भी पहले 7 जो है स्ट्रिंग था स्टार्ट में उसकी कन्वर्जन करके फिर इस तरह उस पर वो पक्की ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो इसको मैंने गूगल भी किया था स्टैक ओवरफ्लो में, तो सबने कहा था ये जनरल मसला है इसमें ना ये क्लियर नहीं कर रहा स्क्रीन को, तो स्क्रीन को क्लियर नहीं कर रहा। नहीं नहीं जब हम अगर फॉर एग्जांपल हमसे इनपुट मांगता है ठीक है कमांड लाइन पे ये मांग रहा है टाइप करते हैं जी जी ये आ गया हम टाइप जी जी हम यहां पे लिखते हैं लाइक सपोज हम कुछ स्ट्रिंग लिख देते हैं कुछ भी लिख देते हैं ये लिख दिया लिखते हैं कुछ स्ट्रिंग लिखूं एबीसीडी लिख हां एबीसीडी लिख हां अब आगे सर वो जब वैलिडेट फंक्शन यूज करेंगे सर उसके बाद सर इसमें ये करता है ना अभी हम एनएन कर रहे हैं लेकिन जब हम वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे ना तो वो ये कहता है कि प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, लेकिन वैलिड नंबर एंटर करने के लिए वो एनएन वाली जगह या कोई भी वो पहले हाँ, वाला जो नंबर लिखा होता है ना उसको क्लियर करने देता उसको मिटाने देते ही नहीं है नया ऐड करने ये मतलब अभी चाह रही है कि ये लाइन मिट जाए पहले वाली
ये सिर्फ एन एन मिट जाए और इसकी जगह पे गेन कर्सर ब्लिंक कर जिसमें हम नया नंबर ऐड कर सकें। ये जो आप मसला बता रही हैं इसका आपको इंक्वायरर की लाइब्रेरी का कोड चेंज करना पड़ेगा। आप इंक्वायरर की लाइब्रेरी पढ़े, उसको स्टडी करें, उसकी लाइब्रेरी में आपको पुश करना पड़ेगा। उसकी लाइब्रेरी का फितरत है ये, उसकी इंक्वायरर की, ठीक है ना। अगर वो उन्होंने बोला है कि ऐसे ही तो उसकी फितरत है। आप इसको, अगर आपको डेवलपर अच्छे हैं तो आप उसको एक्सप्लोर करके जो है आप उसमें एडिट कर सकती हैं, इशू क्रिएट करके सजेस्ट कर सकती हैं। ये ओपन सोर्स का काम रहेगा, बताने का लिए मसला है सॉल्व करना है। ये किसी ने किया हुआ मुझे लाइक करना है अगर आपने कुछ करना है, या फिर आप ज्यादा एक्स्ट्रा माइल तो खुद ही उसको लाइब्रेरी को एडिट करके पुश कर दें, पुल क्रिएट, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दें, वो मर्ज कर लें, उन्हें समझ आएगी। तो ये इशू तो खैर लाइब्रेरी का है, लाइब्रेरी का बिहेवियर है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और किसी का कोई इशू, और किसी का कोई क्वेश्चन सवाल इस चीज़ से रिलेटेड पूछे हैं सारिया, वैसे आपने दूसरी चीज़ से क्वेश्चन पूछा था, इस चीज़ से रिलेटेड किसी कोई क्वेश्चन सवाल, लेकिन खैर इंक्वायरर का था वो सही है, रेलिवेंट था। अगर किसी का नहीं है तो हम रिकॉर्डिंग वगैरह ऑफ कर लेते हैं, लंबी हो गई है वीडियो और बहुत डिटेल में हुई है। तो अब आप, मैं आपसे पोल ले लूँगा कि लंबी वीडियो करें, छोटी वीडियो करें, स्पीड में जाएँ, कम से कम जाएँ। तो लेकिन आई होप कि ये वीडियो अच्छी रही होगी, आप इसे डिटेल में देखें। मेरी पर्सनल ओपिनियन सजेशन यही है भाई, आपने डिटेल में देखनी है, मैंने बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करा है। काम करना, कंप्लीट कर लेना चीज़ का मकसद नहीं होता, ये आप डिटेल में बनाना, समझ आनी चीज़, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, प्रोग्रामिंग अच्छी होना, दिमाग चलाना, दिमाग पे जोर डालना, ये जरूरी है, ठीक है। कोई भी चीज़ ये वीडियो दोबारा दिखाएगा सर, जो सर जिया ने हमें नेक्स्ट का वो जो प्रोजेक्ट दिया है, देखें टाटा अभी नेक्स्ट नहीं आनी चाहिए, मैं वीडियो ऑफ कर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ फिर कर लीजिएगा इस, ठीक है, ठीक है, चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सर, थैंक यू।